हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज हमारी इस वाले गिनी पिग ने भी बेबीज दे दिए और ये शाम के टाइम इसने दिए थे। मैं घर से बाहर था और जब आया हूं तो अभी फ़िलहाल इन बच्चों को 3 से 4 घंटा हो चुका है और यहां आप लोग देख सकते हैं ये 2 बच्चे हुए हैं और दोनों ही मेरे ख्याल से मेल हैं। और अभी मैं चेक करता हूं इन दोनों को और बहुत ही बेहतरीन कलर और बढ़िया पैटर्न के साथ ही लोग हैं। जैसे कि ये वाला बच्चा आप लोग देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अभी ब्राउनी ने बच्चे दिए हैं। और ये देखिए पीछे के साइड में ब्लैक, ये ब्लैक पैटर्न। और आँखों के पास देखिए, जैसे कि मेरे पास एक गिनी पिग बेबी है जिसका नाम मैंने गॉगल रखा है और उसी की तरह बिल्कुल है। और पीछे वाला देखिए, मुझे पहले लगा था कि ये एल्बिनो है शायद, क्योंकि अगर मैं ऐसे पकड़ूँ इसको तो ये एल्बिनो जैसा ही लग रहा है। इसकी आँखों में हल्का सा रेड शेड है, लेकिन इधर आप पैटर्न देख सकते हैं ये इसका पैटर्न किस तरीके का है। और यहाँ दूसरी साइड में जो मेरी गिनी पिग है वो भी 1-2 दिन के अंदर बच्चे दे ही देगी। फिलहाल बात करते हैं इसकी। और अभी देखिए ये कपड़ा इसके अंदर ही था केज में, और जब जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया तो यहाँ पे बच्चे दी हुई थी। फैमिली में बाकी लोगों को पता था, लेकिन मैं अभी आया क्योंकि मैंने इन पर उतना गौर नहीं किया। और फिर जैसे ही मैं आया हूँ मैंने देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके गिनी पिग या फिर आपका कोई भी पेट प्रेग्नेंट हो और आप इंतज़ार करते हैं बच्चों का और आपको अचानक से ऐसा सरप्राइज़ मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। फिलहाल ब्राउनी ने तो पहली बार में 3 बच्चे दिए थे, फिर दूसरी बार में 4 बच्चे दिए। तो यहाँ पे खैर इसका लीटर साइज़ अभी कम इसलिए है शायद क्योंकि इसने पहली बार बच्चा दिया है, और उसके बाद जब भी बच्चे देगी तो इसका लीटर साइज़ बढ़ता ही जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बढ़ता हुआ लीटर साइज़ हमेशा गिनतियाँ बढ़ती रहें। कई बार ऐसा होता है कि गिनी पिग 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं देता है अपनी पूरी लाइफ में, और कई बार ऐसा होता है कि गिनी पिग 8 तक बच्चे दे देता है। तो मैक्सिमम जो लीटर साइज़ होता है वो गिनी पिग का 6 से 8 का ही होता है, और ज़्यादातर तो 8 देखे गए हैं लेकिन बहुत कम देखे गए हैं। यहाँ पे फिलहाल इसका लीटर साइज़ अभी 2 है, जो कि आगे जाके बढ़ेगा क्योंकि इसकी एज भी बहुत कम थी। अगर मेरे हाथ से देखें तो ये देखिए अभी भी इसका साइज़ छोटा ही है मुकाबले ब्राउनी के, क्योंकि ब्राउनी का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। और अभी फ़िलहाल ब्राउनी को तो नीचे मैंने कॉलोनी में शिफ्ट किया। और ये देखिए बच्चे को ये पास में आकर स्मेल ले रहा है, क्योंकि बगल में यहाँ पे एक और फीमेल है और ये केज इनके लिए काफ़ी है जिसमें ये लोग अगर बेबीज़ दे दें तो उसके बाद मैं इनको सेपरेटली बेबीज़ के हिसाब से लगा सकता हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे और भी गिनी पिग के बेबी और कई सारे और गिनी पिग चारों ओर हो गए थे, जिसकी वजह से केजेस बहुत कम थे। तो ये केज बहुत परफेक्ट है क्योंकि ये चारों ओर से खुला है और यहाँ पे खाना देने का सिस्टम बहुत अच्छा है और साथ ही ट्रे भी है, तो इसीलिए ये काफ़ी परफेक्ट और एकदम सुफिशेंट साइज़ था इन लोगों के लिए। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये 15 इंच और 1 फिट का ये जो कॉम्बिनेशन इन लोगों के लिए, क्योंकि इनको ऊपर से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए ये काफ़ी था इन लोगों के बच्चे देने के लिए। और अभी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, मैं कपड़ा यहाँ से हटाता हूँ एक बार, ये देखिए कपड़ा हटा दिया मैंने। और यहाँ अगर मैं आपको इतने स्क्रीन पे यानी कि सिर्फ गिनी पिग का ये साइज़ दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा यानी कि इस केज का पार्टीशन भी इन लोगों के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे मैंने अभी टोकरी और बाकी सब चीज़ें इसलिए हटाई हैं ताकि ये लोग पूरी तरीके से नज़र आएँ। और ये देखिए अभी ये दूध पी रही है, ये देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे मुझे मेल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी लैंग्वेज बता देती है बच्चों की। और इतने सारे गिनी पिग के बच्चे अब मैंने देखे हैं जिसकी वजह, ये देखिए कैमरे में ही आ गई, जिसकी वजह से अब इतना आइडिया हो गया है कि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, बच्चों की हरकतें बता देती हैं कि वो मेल हैं कि नहीं। और फिलहाल चेक तो अभी नहीं करेंगे हम क्योंकि अभी ये 1 दिन भी कम्प्लीट नहीं हुआ इन लोगों को, तो चेक करने में कहीं कुछ इनको हो ना जाए इसलिए इनको अभी हम चेक नहीं करेंगे। तो इनको चेक करेंगे हम लेकिन हम अगली वीडियो में, ताकि कम से कम 1 दिन की हो जाएं। और अभी देखिए कितने भूखे हैं, और ये दूध उतना सही से नहीं पिला रही है क्योंकि ब्राउनी को काफ़ी आइडिया था, और ब्राउनी के अंदर जो उसकी बच्चों के लिए माँ की ममता है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ब्राउनी की हरकत बिल्कुल गाय जैसी है। और अभी फ़िलहाल क्योंकि ये पहली बार माँ बनी है इसलिए मेरे ख्याल से ये बच्चों को दूध नहीं उतना पिला रही है। ये देखिए एक यहाँ पी रहा है तो एक वहाँ घूम रहा है, और ये देखिए अब इसने बच्चों को हटा दिया। तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है अगर आपकी गिनी पिग बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो, क्योंकि कई बार जब आप उसके सामने होते हैं तो वो उस वजह से नहीं पिलाती है, और कई बार बच्चे ही कुछ ज़्यादा दूध पीने लगते हैं जिसकी वजह से वो अपने तरीके से कंट्रोल करती है। और जब गिनी पिग दूध नहीं पिलाएगी
तो वो एक अलग तरीका होता है उसका ट्रीटमेंट और किस तरीके से उसको दूध पिलाना है, तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा पूरे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जाते जाते। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।